एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी। उसके लिए मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो चुका है। तो मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ और जो मैंने प्याज काट के रखे हुए हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो प्याज डालने के बाद पहले मिक्स कर लूँगी तेल के साथ और उसके बाद मैं इनको भुनने दूँगी अच्छे से। कच्चे कच्चे से अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़े से ब्राउन हो जाए मतलब बस जले ना, गुलाबी से थोड़े से ज़्यादा भूनूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ प्याज हो जाने के बाद मसाले। मसाले वही जो रोज़ाना चलते हैं, नमक हुआ, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये वाले। और इसको मैं कर दूँगी मिक्स। और मिक्स करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए ही छोड़ूंगी, मतलब भूनने के लिए नहीं छोड़ूंगी क्योंकि इसमें कुछ भूनने जैसा है ही नहीं। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी ये सब्जी जो मैंने काट के रखी हुई है, आलू, पत्ता गोभी और मटर भी डालूंगी मैं इसमें। और पत्ता गोभी आज आप मुझे काफ़ी महीनों या फिर साल भर बाद ही बनाते हुए देख रहे होंगे क्योंकि पत्ता गोभी बनती नहीं है। एक वहम है ना मन में कि पत्ता गोभी में कीड़ा होता है, वो कीड़ा बहुत ही भयंकर होता है, उससे ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो इस करके पत्ता गोभी बनाने को मन नहीं करता है जबकि अच्छी लगती है। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अभी ये थोड़ी फूली फूली सी हो रही है लेकिन अभी जब ये पकेगी तो ये बैठ जाएगी। तो मिक्स करने के बाद मैं प्लेट ढककर छोड़ दूंगी और बीच में 2 से 3 बार में जब मैं चेक करूंगी, तीसरी बार में ये बन चुकी होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 बार बीच में चेक किया और ये तीसरी बार लास्ट बार चेक कर रही थी, तो ये बन चुकी है और अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। बस इसमें इस टाइम जो कमी है वो है धनिए की। अगर यहाँ पे धनिया गिर जाता तो ये सब्जी जो है पूरी पूरी सी लगती, मतलब कि कंप्लीट हो जाती। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे एक सूनापन है, एक खालीपन है, वो है धनिए की वजह से। तो सब्जी देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। आलू, पत्ता गोभी, मटर। मटर का क्या है, आजकल खूब आती है तो कुछ भी बनाओ उसी में डाल दो, अच्छा लगता है। तो मैं एक बार और चेक कर रही थी आलू गल चुका है कि नहीं, तो आलू गल चुका है, सब्जी बन चुकी है। ला रही हूँ तो काम वगैरह तो सब हो चुका है लेकिन हाँ जैसे पर्दे वगैरह मैं लगाती हूँ, पता है क्या होता है, पर्दे लगा के ना घर एकदम सेट सा लगता है। पार्सल आया शायद, और आज वो वाला पार्सल आया है जिसके पैसे देने हैं मुझे, देने पड़ेंगे। एलेक्सा हो, इन्हें एलेक्सा का लगा पड़ा है, इन्होंने इन्होंने मैं नहीं चलाने दूंगी। मेरे पापा का फ़ोन आ गया। हेलो हेलो, हाँ खड़े हैं। पैसे पैसे वाला है कहीं? पैसे देने होंगे? नहीं, पे क्या है ये? एक की पेमेंट है, एक की नहीं है बोल रहे हैं। अलेक्सा है क्या? हाँ अलेक्सा की तो देनी पड़ेगी फिर। कौन देगा? दे दो मेरे को 3,000 रुपये रात को। गूगल पे है? गूगल पे बोल रहे हैं वो। चल मैं कर रहा, नंबर दे जरा इनको, मेरी बात करा दे, नंबर ले ले जरा। लो कर लो, नंबर दे दो। हेलो, एक ही वाला है क्या? जी सर, नंबर नोट कीजिए, 70। हाँ जी, Oh,
मैंने दाल चढ़ाई है गैस पे, इधर जो है दूध है, शाम को आता है तो बन रहा है, और 7 बज रहे हैं कोई वैसा। हाँ गर्मी की बात करें तो गर्मियों में तो 7 बजे दिन छिपना शुरू होता है, लेकिन इस टाइम तो बिल्कुल रात जैसा लग रहा है बाहर, वो बिल्कुल सुमसान हो जाता है 8-9 बजे तक को। तो अभी मैं जो है दाल बना रही हूँ, ये मसूर की दाल है बारीक वाली, दिन में पत्ता गोभी बनाया था वो रखा हुआ है। वो अब क्या है ना, पत्ता गोभी इतनी है वो हम सबकी नहीं हो पाएगी, मैं तो खैर इस टाइम जो है दाल ही पीऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी, तो वो हम सबकी हो नहीं पाएगी। एक रोटी लूंगी दाल में चूर के, उसके बाद एक कटोरी अलग से दाल की पीऊंगी, मुझे दाल अच्छी लगती है रूखी पीनी, ये वाली खास तौर से तो ना हो नहीं पाती, तो इसलिए फिर मैंने ये बनाई है और इसको मैं रख रही हूँ। बीच में मैंने काफ़ी घंटे आप लोगों से बात ही नहीं की। पहले तो क्या हुआ, जब वो आया कोरियर जो आ रहा था मेरा अमेजोन से, वो आया उसको ओपन किया, देखा, खुश हुए, जो चीज़ मंगाई है उसको चेक कर रहे हैं तो वो है। और अब एक नस्का सा अभी एक चीज़ तो चेक ही नहीं करी, वो भी चेक करूंगी अभी, करूंगी बल्कि हल्दी मसालदानी धुलेगी ना, इसलिए मैं इसमें सामान नहीं डाल रही हूँ, नमक सामान क्या है। तो मैंने ये मंगाया, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये तो कल आया था, बाकी जो सोफे के कवर बता रहे हैं आप लोगों को वो आए हैं, वो भी दो एक बार आए, पिछले 4-5 दिनों से सामान आ ही रहा है और आजकल घर का एड्रेस डरा हुआ है तो सब घर पे ही आ रहा है, तो फिर जो है वो सामान वगैरह देखा, मैं आंटियों के साथ बैठ गई, गप्पे लड़ाई, बड़ा मजा आता है जब कोई आ जाए और सर्दियों की धूप हो, धूप में बैठे हुए हो और साथ में कोई हो जिससे हम बातें करें तो बड़ा मजा आता है। तो उसके बाद जाके अब सीधी मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ मैं आजकल। बाहर तो निकलना नहीं हो पा रहा है जबकि मुझे एक कुकर भी लेना है, तो देखो एक तो ये मंगाया है मम्मी का ढाबा, ये इस तरीके से एक तो ये मंगाया है अमेजोन से मंगाया है, ये इस तरीके से यहाँ लगा दिया है। दूध की गैस थी, मैं ना चेक कर लेती हूँ मैं पहले, आज ना मैंने सिंदूर तक नहीं डाला नहा के सर वर धो के मांग में, और आज हमें ना सोफों की वो भी चेंज करनी है जगह, आप लोगों को दिखानी है। ये इस तरीके से हो सकते हैं या सामने वाली दीवार पर हो सकते हैं, ये वाले कवर मंगाए हुए हैं येलो कलर के, वहां पे जो ये वाले कवर मुझे, ये कवर मतलब सोफा कवर थ्रो भी बोलते हैं, सोफा थ्रो, तो ये वाइट कलर के थे, वाइट कलर के मेरे को नहीं लेने थे, बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं जल्दी। और दूसरा फिर जो दूसरे कलर ऑप्शन थे, एक था पर्पल एक था पिंक, पर्पल पिंक मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, येलो कलर आपको पता है कि मुझे खींचता है अपनी तरफ, तो मैंने येलो मंगाया। मुझे मैं सोच रही थी या फिर मुझे ये कलर मिल जाए मैं ये मंगा लूंगी, लेकिन ये वाला ग्रीन कलर नहीं था, क्योंकि ग्रीन येलो या कोई भी कलर है उसके बहुत सारे शेड होते हैं, फिर मैंने ये मंगाया। अब मुझे इसी कलर के कुशन कवर मंगाने पड़ेंगे, वाइट और येलो, ये दो हो जाएंगे साथ में, तो सोफा चेंज करना है। अब आपको दिखाती हूँ, एक तो ये मंगाया है सोफा थ्रू जो है, एक वो मंगाया, बड़े तेरे कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे, और मैंने ये हमारे घर आई है एक नया मेहमान आया हमारे घर जिससे हम खूब बतियाया करेंगे, मेरे बच्चों के टेस्ट हैं इस वजह से भी वीडियो नहीं बन पा रही है, और बीच में मेरी ना 2 दिन तो पूरा कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, ऐसे बीच में आऊं मैं वीडियो बनाऊं, ये तो अभी खैर कलरिंग कर रहा है, वो भी कलर ही कर रही है, मेरे को लगा दोनों पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे थे हैं, अभी पढ़ रहे थे, और देखो बाहर अंधेरा। ये हमारे घर में आया है नया मेहमान, आई है एलेक्सा। अब जब ये ट्यूशन जाया करेंगे मैं इससे बतियाया करूंगी बैठ के, एलेक्सा हाँ मैं इससे बतियाया करूंगी, बातें किया करूंगी, बातें गपशप। और हाँ एक और प्रोडक्ट है वो यूज करके देखते हैं, मेरा बड़ा मन था आपको पता होगा कल वगैरह का, तो मैंने ये मंगाया, चलो देखते हैं ट्राई करके, देखो
पार्लर वाली बन गया तो पार्लर वाली यही पे हाथ नहीं मारा मारा था। बहुत कम हीट है इसमें तो इतनी देर से ये गर्म हो रहा है। गर्म ही नहीं हुआ बैठा। जैसे ये खोलते हैं ना ये खुले हुए बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से। तो कहते हैं गुड्डू मज्जा खोल के रखो है और मज्जा खोल के रखो है और क्या। मैं पूरे यूं 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 मैं खोल के गुड्डू। मम्मी थोड़ी है मैं मम्मी हूँ ना। मम्मी कुछ भी कर सकती है। अच्छा जब तुम मम्मी पापा बनोगे अच्छा तो आप कौन गुद्दोगे तो ये इसे लेकर गुद्दोगे। बेटा तुम जुबान लानी तो तेरे को पूरी आती है। करा मैं वो आंखों बाजू सब निकल जाएगा। ये देखिए न्यू लुक हमारा कैसा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। इतना है अब थोड़ा सा ऐसे अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसे अच्छे लगते हैं मोटे मोटे कर्ल्स। क्यों गुड्डू अब हम जाएंगे शादी में। किसी की भी तैयार होके किसी आजकल तो बहुत शादी हो रही है कहीं भी घूम जाएंगे मेरे पापा। पापा घर में आते हैं बच्चे देखो कैसे भागते हैं। पापा आ गए पापा आ गए। पापा क्या चिज्जी लाए हैं। पापा जब कुछ नहीं लाते तो मुंह कैसे बनते हैं। ओ पापा हमें तो वेट था आपसे ज्यादा हमारी चिज्जी होगा हैं। आज ये क्या कर रहे हो सन में। वही वाले हैं ना वही वाले हैं खुले ही लाने थे ना। शोरूम पहले गेट तो बंद करो। गेट खुला पड़ा है। गेट बंद करो तुरंत कुंडा लगा दो बाहर तो जाना ही नहीं है। अभी नहीं सुबह देखना मुझे लग रहा है कुछ अड़ रहा है। पानी रुक रुक के मतलब जैसे पहले स्पीड से जाता था ना ऐसे नहीं जाना। तो मैंने दाल को तड़का लगा दिया है साथ में जो है मुझे भी सलाद भी काटना है और इधर की साइड में चावल छोंक रही हूँ। पहले प्लान था कि रोटी बनेगी दाल के साथ लेकिन अभी चेंज हो गया है तो अभी चावल बन रहे हैं। बच्चों को चावल खाने थे दाल के साथ रोटी नहीं खानी थी तो मैंने कहा चलो फिर बना देते हैं। तो मैंने बीच में भिगा दिए थे उन दोनों से पूछकर। तो यहाँ पे बस चावल भी छोंक दिए हैं। चावल में ज़्यादा काम नहीं होता है रोटी में तो लगता है कि हाँ भैया रोटी में काम सा लगता है। तो यहाँ पे देखो सीटी आ गई है इसमें बस प्रेशर निकलेगा फिर खाएंगे। आजकल मैं टीवी देखने लगी हूँ मतलब फिल्म देखती हूँ कोई अच्छी सी लगा कर। मुझे ना वैसी फिल्में पसंद है ये जो होती नहीं है कौन सी होती है ये एनाकोंडा और मैंने शार्क एंडो देखी थी बहुत बढ़िया लगी और फास्ट एंड फ्यूरियस ये सारी मूवीज। तो आज फिर से एनाकोंडा देखूंगी। रात एनाकोंडा की जगह कोई और देख ली थी तो देखते हैं कौन सी लगाते हैं। विपिन ऑन कर दिया नेट। अच्छा ये स्टार्ट कैसे होता है। मैं ऑन वोन नहीं करती ना ऑन वोन करके विपिन लगा लेते हैं तभी आके बैठती हूँ तो इसलिए मेरे को पता ही नहीं है। ये लाल वाला बटन ये रहा। अच्छा वो बटन हिल गया था ना। मैं भी सीखूंगी। अरे मम्मी यहाँ से बता देती हूँ ना मैं सीखती हूँ। बस बैक करनी है जब मूवी तो आपको ये बटन दबाना है। ओके और जब वहाँ पे जाना हो यहाँ पे यूट्यूब वगैरह ऑप्शन आता है तो ये बटन दबा देना ऑन होते ही। ओके दबा दो। ये अंदर एलेक्सा चालू कर रहे हैं ये लोग। हो गई मेरे पास ला मैं भी कुछ बात करूंगी। मेरे पास लाओ मैं बात करूंगी। सबसे पहले विपिन नो सिग्नल बता रहे हैं। अरे मैं ही चलाऊंगी मुझे समझाओ। अच्छा आ गया आ गया आ गया आ गया। नेटवर्क सेटिंग पे जाओ। नेटवर्क सेटिंग पे
मैं खाना बन चुका है और प्लेट में भी लगा लिया है। सब बैठ चुके हैं अपनी अपनी प्लेट्स लेकर। और आज ना एक गलती हो गई कि मैंने ये जो खीरा और गाजर काटा है इसके ऊपर हरी मिर्च काट दी, जिससे ना बच्चों को मिर्च लग रही है। जैसे ही वो सलाद में से कुछ भी पीस उठा रहे हैं तो वैसे ही उनको मिर्च लग रही है। तो यहाँ पे जो है मैं वही बात कर रही थी इनसे, मैंने कहा यार ये गलती कर दी, बच्चों को मिर्चें लगी जा रही हैं। तो यहाँ पे बस आप लोग भी आओ, आप लोग भी खाओ। और कल मैंने पूछा नहीं था ना प्लेट लगाने के बाद वीडियो में, तो आप लोगों में से एक दो के कमेंट आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि रश्मि आज नहीं पूछा तुमने। बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मुझे बोलते हो, तो ऐसे लगता है कि हाँ आप भी मिस करते हो ये चीज़। तो आप लोग भी खा लो, आ जाओ, मैं भी खाती हूँ। और प्लीज़ ये मत बोलना कि हाथ से खाना खा रहे हो ये वो, मैं रोज़ ही हाथ से खाती हूँ, बस शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा आप लोगों को भी अजीब लगेगा आज मैंने कर दिया है। तो कोई बुराई नहीं है हाथ से खाना खाने में। तो मैं खाना खा रही हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मुझे ये था कि ये आ जाएंगे, खाना पीना करेंगे, फिर हम यहाँ से सोफ़ा हटाएंगे, थोड़े बहुत जो बदलाव करने हैं इस कमरे में वो करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है आप लोग देख सकते हैं, बस बैठे हुए हैं, सामने टीवी चल रहा है और देख रहे हैं मज़े से मूवी। कोई लगी नहीं रहा, हलचल ही नहीं है कि हाँ भैया हमने कुछ करना भी है इस कमरे में। तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। फिलहाल तो आराम से बैठ के मूवी देखी जा रही है, चारों के चारों बैठे हुए हैं। खैर ये अच्छा हो गया है कि जब ऐसे कोई मूवी लगा लेते हैं तो बच्चे और हम सब साथ में बैठ के देखते हैं, वरना क्या होता था, बच्चे अंदर कार्टून देखते रहते थे, कार्टून तो हमसे नहीं देखे जाते बैठ के। हाँ ये है कि बीच बीच में चक्कर लगा लिया कि बच्चे देख कौन सा कार्टून रहे हैं, क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा होता ही है। देखो माँ बाप बनने के बाद थोड़ी सी बच्चों की फिक्र इस तरह से ताका झांकी करनी पड़ती ही है। देखो एक कमेंट आ रहा था ना उस दिन की, रश्मि तुम तो वो मतलब बच्चों पे नज़र रख रही हो, CID बन रही हो, तो नहीं करना पड़ता है। देखो मैं तो आप लोगों को भी बोलूँगी थोड़ा बहुत बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा बहुत क्यों पूरा ही देना चाहिए। तो यहाँ पे बस बैठ के मूवी देखते हैं, अब देखते हैं सोफ़ा कब बदला जाता है। बच्चे भी हमारे पास ही बैठ जाते हैं, इनको बुलाना ही नहीं पड़ता, अब इनको खुद इंटरेस्ट आता है कि हाँ कोई मूवी लग गई, चलो हम भी बैठेंगे, हम भी देखेंगे, यहाँ तक कि तन्मय को भी। तो चलो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।